हे दोस्तों, आज हम Redmi Y2 और आने वाले Redmi Y3 के बीच में एक बहुत ही प्यारा कंपैरिजन करने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आती है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी लोग को फ्यूचर में देखने को मिलती रहे। शुरुआत करते हैं यहाँ पे दोस्तों कंपैरिजन से, और सबसे पहले बात कर लेते हैं Redmi के जो की स्पेशलिटी है सेल्फी कैमरा। जी हाँ, Redmi जो सीरीज है वो स्पेशल सेल्फी को ध्यान में रखते हुए लेके आई थी। तो अब डेफिनेटली सी बात है Redmi Y2 के अंदर आपको बहुत ही पावरफुल यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब यहाँ पे Redmi जब Y2 है तो उसकी बहुत बड़ी हाईलाइट ये बनी हुई है कि आपको 9,000 रुपए में आपको 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा Redmi Y3 के अंदर मिलेगा, और यहाँ पे आपको Redmi Y2 के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का मिला था, यानी कि डायरेक्टली डबल हो जा रहा है आपको Redmi Y3 के अंदर सेल्फी कैमरा। आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों Redmi Y3 के अंदर आपको जो रियर कैमरा है वो भी आपको ड्यूल देखने को मिलेगा, ट्रिपल कैमरा नहीं मिलेगा। और आपको Redmi Y2 के अंदर भी आपको ड्यूल कैमरा यहाँ पे था। Redmi Y2 के अगर कैमरा सेंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको Redmi Y2 के अंदर 12+5 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा दिया गया था। अगर हम वही बात करें Redmi Y3 की, यहाँ पे आपको जो बैक कैमरा दिया जा रहा है रियर के अंदर वो 12+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि एक डेप्थ वगैरह कैप्चर यहाँ पे करने वाला है। अगर हम दोस्तों बात करें सेल्फी कैमरा की, जो फोकस मेन किया जा रहा है Redmi Y3 के अंदर, इसमें सेल्फी कैमरा के कुछ खास फीचर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेल्फी कैमरा में इस पर बहुत खास फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे आपको पाम शटर दिया जा रहा है, यानी कि हाथ दिखाते यहाँ पे आप आराम से सेल्फी ले पाएंगे। बस आपको हैंड शेक करना है, कितना भी बड़ा ग्रुप हो आराम से आपका कैप्चर हो जाएगा सेल्फी। अगली बड़ी फीचर की बात करें सेल्फी कैमरे की, तो आपको 80 डिग्री का वाइड एंगल लेंस दिया जा रहा है, जो कि मेरे सबसे एक बहुत अच्छा फीचर है आज के समय में सेल्फी में। अगर ग्रुप बड़ा हो सेल्फी का तो आपको लेने में बहुत आसानी होती है वाइड एंगल लेंस से। अगले अगर बड़ी फीचर की बात करें तो आपको फुल HD तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सेल्फी कैमरे से भी आप फुल HD तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि मेरे को लगता है ये भी एक बहुत अच्छे फीचर है। और अगले फीचर की बात करें इसके, तो आपको ऑटो HDR और ऑटो पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे आपको दिया गया है। ये सब कुछ सेल्फी कैमरे के फीचर होने वाले हैं। आगे हम बात बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ, तो दोस्तों डिस्प्ले में ज्यादा कुछ यहाँ पे फर्क तो स्क्रीन साइज में नहीं किया गया, लेकिन बस ये है कि आपको बेजल्स आप देखेंगे Redmi Y2 के अंदर बहुत ज्यादा बेजल्स यहाँ पे थे, लेकिन Redmi Y3 के अंदर आपको फर्क ये होगा कि आपको बेजल्स तो एकदम ना के बराबर रहेंगे, और यहाँ पे जो आपको ऊपर साइड में था यहाँ पे एक छोटा सा नॉच आ जाएगा। स्क्रीन साइज की बात करें तो Redmi Y2 के अंदर आपको 5.99 इंच की डिस्प्ले थी फुल HD+ की, और वहीं अगर Y3 की बात करें तो वहां पे आपको 6.26 इंच की एक HD+ यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इस बार डिस्प्ले में एक खासियत ये भी है Redmi Y3 की, इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, यानी कि आपको डिस्प्ले में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, और खासकर सेल्फी कैमरे में बहुत प्रायोरिटी दी जा रही है। तो आप कह सकते हैं डिस्प्ले में प्रोटेक्शन के लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको बढ़िया गोरिल्ला ग्लास 5 का यहाँ पे प्रोटेक्शन। अब यहाँ दोस्तों बात करें फोन के प्रोसेसर के बारे में, उससे पहले दोस्तों आपको एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, फोन आप ले रहे हैं तो सेल्फी सेट जो फोन ले रहे हैं Redmi Y3 हो या फिर Redmi Y2 हो, तो आप सिर्फ सेल्फी में फोकस करेंगे। यहाँ पे आप सोचेंगे इस फोन को लेने के बाद आप PUBG जैसे Assault 9 जैसे Fortnite जैसे गेम बहुत ही आसानी से और अच्छे ग्राफिक के साथ खेलने, तो ये शायद आप पॉसिबल ना हो, लेकिन खेल पाएंगे लेकिन बढ़िया ग्राफिक के साथ नहीं खेल पाएंगे। वैसे अगर हम बात करें Redmi Y3 के प्रोसेसर के बारे में, यहां पे आपको 600 सीरीज का 632 चिपसेट दिया जाएगा Adreno GPU के साथ 506। वहीं Y2 के अंदर भी आपको 600 सीरीज का एक प्रोसेसर था थोड़ा सा कमजोर 625, जो कि मैं एक साल से यूज कर रहा हूं, तो मेरे को अच्छे से मालूम है कि इसका प्रोसेसर कैसा वर्क कर रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों बैटरी की, तो बैटरी में एक बड़ा उछाल तो यहाँ पे दिया गया Redmi Y2 से Y3 के अंदर, लेकिन कमजोरी यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की रह गई है, क्योंकि आज के समय फास्ट चार्जिंग बहुत मैटर करता है फोन के अंदर, लेकिन यहाँ पे Redmi Y3 के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगी। 4000 mAh की बैटरी तो देखने को मिलेगी, लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे Redmi Y2 की, तो यहाँ पे आपको 3080 mAh की बैटरी देखने को मिली थी, जो कि ठीक ठाक सी है, बैटरी बहुत कम चलती Redmi Y2 के अंदर, और उम्मीद है कि Redmi Y3 इस पे काम करेगा। और कहा जाता है कि लगभग 16% ज्यादा आपको बड़ी ऑप्टिमाइजेशन दिया गया है Y2 किससे Y3 के मुकाबले, ऐसा रिपोर्ट कहती है। अब हम दोस्तों बात करें इन दोनों के OS और UI के बारे में, तो OS और UI में थोड़ा अच्छा है, आपको Y3 Android Pie के साथ आएगा लेटेस्ट, जो कि और लेटेस्ट MIUI 10 पे बेस होगा, और वहीं Y2 में आपको अभी तक Oreo चल रहा है और आपको लेटेस्ट MIUI 9.5 यहाँ पे अभी काम कर रहा है। और अब फाइनली दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच की प्राइसिंग में कितना डिफरेंस है, और यहाँ पे आपको दोनों में रैम और स्टोरेज में कितना डिफरेंस है। तो Y2 के अंदर दोस्तों आपको सिंगल वेरिएंट था 3GB+32GB वाला वेरिएंट, जो कि मेरे पास है 8999 रुपए का फोन अभी मार्केट की रेट है। और वहीं अगर हम बात करें Redmi Y3 की, तो यहाँ पे जो प्राइसिंग रखी गई है आपको 3/32 के लगभग आपको रखी गई है 9999 रुपया, और 4/64 की प्राइसिंग आपको 11999 रुपया। तो फोन की प्राइसिंग में 1000 रुपए का फर्क है, 32/3/32 आपको Redmi Y2 भी है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे एड ऑन दिया जा रहा है, सेल्फी कैमरे को लेके कहें, रैम को लेके कहें, बैटरी को लेके कहें, तो डेफिनेटली सी बात है सेम वेरिएंट का भी आपको 1000 रुपए यहाँ पे ज्यादा देना पड़ेगा, और कुछ स्टाइलिश भी आज के सामने आपको बनाया गया है Redmi Y3। तो डेफिनेटली सी बात है दोस्तों आपको Redmi Y3 के अंदर कुछ ज्यादा बढ़िया मिल रहा है Redmi Y2 के मुकाबले, और सेल्फी का आपको शौक है तो डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा Redmi Y3। तो उम्मीद है दोस्तों कंपैरिजन पसंद आएगा, और कुछ आप चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इतना ही,
जय हिंद जय भारत।